बहुत अच्छा सवाल किया और उसमें दलील के साथ में बता रहा हूँ। अरे पूरे पाकिस्तान में हमारे मोमिनीन देखो, जो पूरे पाकिस्तान में जो मोमिनीन में आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सारे मोमिन जो है बहादुर होते हैं, लेकिन रेशो के एतबार से आप देखेंगे पारा चनार के लोग सबसे ज्यादा बहादुर है, और उन्होंने 5 साल तालिबान से जंग करके उनको भगाया है, और खुद तालिबान ने कहा है कि हमें अमेरिका ने शिकस्त नहीं दी थी मगर पारा चनार के मोमिन ने शिकस्त दी है। और इस वक्त जो ज़ैनबियून है वो उसमें भी 80% पारा चनार है। उन्होंने नुबुल और ज़ैनबियून शहर जो है इन जालिमों ने ये सालों ने 3 साल से घेरे में रखा था, इसमें 60-70 हजार मोमिन थे, उनको आजाद करने का भी जो है उससे ये हमारे ज़ैनबियून यानी परसेंट लोग जो है चनार के हैं। तो इसमें शक नहीं है कि इलाके गैर के लोग भी जान देंगे पारा चनार के मोमिन जो बहुत दिलेर है। तो आप देखिए जो है पारा चनार में होता है और वो भी ये बे खाते हैं, और फिर दुनिया में ईरानियों की तो शिजात लोगों ने देख ली, अलबत्ता वो ईरानी जो मुत्तकी और सालहीन है, हर तरह की ईरान में लोग होते हैं कि 8 साल की जंग और इस वक्त जो अमरीका को भरपूर थप्पड़ मारा जो उनके अड्डों पर हमला किया, तो ईरानी भी बे खाते हैं और ईरानी भी कौम जो है दिलेर है। तो इसमें शक नहीं है कि बे के फवायद है, और जो हदीस में है कि कोई दवा आपको दिलेर नहीं बना सकती, आप बच्चों को बे खिलाएं तो आपके बच्चे बहादुर बनेंगे, न सिर्फ बहादुर बनेंगे बल्कि आपके बच्चे सखी होंगे। तब बकील को खिलाओ हदीस में ये सखी, अब ये इसमें रिसर्च होना है कि क्या इसमें वो एलिमेंट है जो बुखल को खत्म करता है, और इसमें असल तो बुखल भी दिल से है, बहादुरी का ताल्लुक भी दिल से है, और जो है दिल के सारे मरीजों के। इससे एक चीज और सामने आ रही है कि जो बुखल है वो एक बीमारी भी।